प्लीज आप लोग साइट विजिट करें, साइट विजिट करने के बाद आप खुद देखें कि हमारा मोर देन 80% काम कंप्लीट हो चुका है और इस साल जो पोजीशन का वादा है इंशाल्लाह वो तो हो गई, साथ में ऑफर डिस्काउंट मिलेगा वो अलग से। और अगर देखना है देखना पड़ेगा इंशाल्लाह आप लोगों को, तो पिकअप एंड ड्रॉप फ्री है हमारा, पिकअप एंड ड्रॉप ले, यहाँ पर आए खाली सैंपल फ्लैट देखे बॉस, लिटरली मजा आ जाएगा। और मैंने फिर बताया था आपको स्टार्टिंग में, ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये फ्लैट नहीं है, टाइटेनिक जहाज है, जहाज। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमेशा की तरह कॉल करना, कॉल बिजी आए तो मैसेज करना। अल्लाह हाफिज। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के डायमंड हॉल में ईद के मौके पर मेहंदी फेस्टिवल रखा गया है। दरअसल सुल्ताना वेलफेयर फाउंडेशन और मर्जी आशानु पठान वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से ये आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में मुमरा शहर की लड़कियां और महिलाएं मेहंदी लगवाने के लिए शामिल हुई हैं। मर्जी आशानु पठान मौजूद हैं हमारे साथ। ईद का त्यौहार आने वाला है, ऐसे में आपके तरफ से महिलाएँ और लड़कियों के लिए मेहंदी लगाने का जो है कार्यक्रम किया गया है, पिछले भी दो बार तीन बार शायद ये कार्यक्रम हो चुका है। पिछले 3 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। ये शुरुआत की गई थी जब कोविड के बाद 2 साल ईद नहीं मना पाए थे सही से, खुल के जैसे मनाते हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने जब ईद पहली विदाउट लॉकडाउन मनाने की कोशिश की गई, तब हमने ये फेस्टिवल रखा कि मुमरा कौसा की महिलाओं को और बच्चियों को हमारी तरफ से एक तोहफा देना चाहते थे। और बहुत सारे इसमें एंगल्स एड्रेस करने की कोशिश की गई है। आप हमेशा देखिए जो महिलाएँ होती हैं जो घर संभालती हैं पूरा रमज़ान, वो कितनी मेहनत करते हैं, पूरे घर का हर किसी का ख्याल रखते हैं, बट एंड में उनके ही हाथ पे मेहंदी नहीं रहती है। वो लोग एक, क्योंकि मेहंदी लगाना सुन्नत भी है तो ये भी एक सुन्नत भी अदा हो जाती है, और महिलाओं को जो आम ज़िंदगी में वो ये इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं नॉर्मली, तो उनके लिए एक डेडिकेटेड टाइम दिया जाता है कि आप आइए, आप भी मेहंदी लगाइए, आपके बच्चे भी मेहंदी लगा ले, तो ईद जो है वो सब खुशियों से मना सके। और जो हमारे आर्टिस्ट हैं मुमरा कौसा के, तो ये जो बच्चियां हैं इनमें बहुत टैलेंट है, ये एक प्लेटफॉर्म हम उनको दे पाते हैं 3 साल से कि वो लोग यहाँ पर आके अपना टैलेंट दिखा सके, यहाँ पे उनको एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है। उसके अलावा जब वो यहाँ से जाते हैं बहुत सारे लोग उनके टच में आ जाते हैं, और मेहंदी तो शादियाँ ईद और कोई ना कोई त्यौहार तो चलता ही रहता है, तो बाहर जाके उनको इस तरीके से बहुत सारे ऑर्डर्स भी मिलते हैं। तो ये 3-4 एंगल्स है जो हमने बहुत सोच समझ के प्लान किया था इस मेहंदी फेस्टिवल को, और अल्हम्दुलिल्लाह वो एंगल्स हम एड्रेस कर पा रहे हैं हर साल की तरह। इस बार हमारे मोर देन 100 आर्टिस्ट्स हैं, 2 बैच हमने रखा हुआ है, सुबह में 1 बजे से 6 बजे तक के, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो एक टाइम पे पॉसिबल नहीं है। पिछले 2 साल से हम लोग सिर्फ रात में रख रहे थे मगरिब के बाद का बैच, बट पिछले अभी आज ये साल हम लोगों ने 2 बैच कर दिया, 1 बजे से 6 बजे तक और मगरिब के बाद से लेट नाइट तक। कितने लोगों ने अब तक रजिस्ट्रेशन किया? मोर देन 800 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, इसी के लिए हम लोगों को 2 बैच करने पड़े। आपने करीब तीन साल या चौथा साल है? ये थर्ड ईयर है हमारा, तीसरा साल है। तारीफ तो इसकी बहुत हो रही है, इसमें कोई दो बात नहीं है, लेकिन कुछ विरोधी हैं जो इस कार्यक्रम को लेकर भी सवाल उठा रहे कि हाथों में मेहंदी ही रहेगी या हाथों में रोजगार भी दिया जाएगा। देखिए कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, है ना, तो जो विरोधी हो या जो भी हो वो बोलते हैं, तो जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं इसलिए वो सिर्फ बोलते हैं, तो जो करता है वो करने पे फोकस करता है। और हम 3 साल से सक्सेसफुली कर रहे हैं, लोग हमारे प्रोग्राम्स में आ रहे हैं, यहाँ पे जितने सारे आर्टिस्ट हैं माशाल्लाह उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट हम कर रहे हैं। अब हमारी तो सरकार है नहीं कि हम लोगों को डायरेक्ट चांद पर पहुँचा दे, पर फिर भी हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर जितने भी आर्टिस्ट बैठे हुए वो लोग यहाँ से एम्प्लॉयमेंट ही जनरेट करते हैं, एम्प्लॉयमेंट। और जो बात करते हैं उनको तो ये पता भी नहीं होगा शायद से कि मेहंदी लगाना सुन्नत है, उनको ये पता भी नहीं होगा, पर ठीक है यहाँ पे सुन्नत भी अदा हो रही है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन भी हो रहा है और हम अपना काम करते हैं, बाकी जिसको जो बोलना है वो बोलते रहे। तो कुछ लोग मेहंदी लगाने के लिए यहाँ पर आए हैं, उन लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। एक्सक्यूज मी, क्या नाम है? मिसबा खान। आप मेहंदी लगाने के लिए यहाँ पर जो है अपॉइंट की, तक सुबह से कितने लोग? अभी तक दूसरे हैं, दूसरे 2 नंबर में, 2 जन का हो गया कंप्लीट अभी तक।
क्या मेहंदी, जैसे सवाल उठता है कि सिर्फ मुमरा कौसा के लड़कियों के हाथ में मेहंदी रहेगा या रोजगार भी दिया जाएगा, तो क्या मेहंदी लगाने से भी आप लोगों को रोजगार मिलता है कहीं शादी में? ये भी है दादा, इससे मतलब इधर से हमको बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलते हैं कि सभी इनकी जैसा किसी का भी शादी रहे, जिसको मेहंदी लगाने बैठ उसकी शादी रहे तो वो हमको ऑर्डर्स देते हैं हमारी डिज़ाइन देख के। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जिसकी वजह से हम लोग को ऑर्डर्स मिलते हैं और प्लस हमारा हाथ भी जो अच्छे से साफ हो जाता है, बेटर हो जाता है, जितनी डिज़ाइन ख़राब रहती उससे और बेटर होता है इससे। तो ये प्लेटफॉर्म हम लोग के लिए बहुत बेस्ट है। तो ऐसे जो आती हैं लगाने के लिए, इनके बीच में एक दूसरे से कम्युनिकेट होता है, संपर्क होता है, उसके जरिए ही हम लोग को मतलब ऑर्डर्स मिलता है। और ये सब मर्जी आपकी के कॉन्टेक्ट की वजह से ही होता है, क्योंकि उनके जितने भी है मुमरा कौसा के सब आते हैं मेहंदी लगाने के लिए, तो उसके वजह से हम लोग को मिलता है आगे ऑर्डर्स वगैरह। तो आपने सुना कि बड़ी संख्या में यहाँ देखेंगे कि महिलाएँ हैं और लड़कियाँ हैं जो यहाँ पर मेहंदी लगवा रही हैं। और मर्जिया शानू पठान का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर जो आते हैं मेहंदी लगवाने के लिए, उनको जो मेहंदी लगाती हैं लड़कियाँ, उनको आगे चल के यहाँ से ऑर्डर भी मिलता है, उनको रोज़गार भी मिलता है। इस तरह की बातें मर्जिया शानू पठान की तरफ से कही जा रही है।